एक कॉलेज की स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि बाबा जी आप लोग कौन सी हॉबी, देखिए हॉबी मैं नहीं आपको बता सकता कि कौन सी हॉबी है ना, हॉबी तो आपके अंदर का पैशन है, अंदर की चीज़ है, ये तो आप खुद जाने कि आपको क्या हॉबी होनी चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ, हॉबी हमेशा क्रेज़ी होनी चाहिए। हॉबी का मज़ा तब आता है जब उसमें क्रेज़ीनेस का जो एलिमेंट है और उसमें जो मैडनेस का एलिमेंट है, उसमें जो जुनून का और पैशन का एलिमेंट है वो 100% हो, है ना। अगर वो क्रेज़ी नहीं है और अगर एक्सेप्टेबल है सबको तो वो हॉबी नहीं है, फिर क्या मज़ा। फिर तो आप एक रिचुअल कर रहे हैं, जो समाज चाह रहा है वो आप कर रहे हैं, आप समाज के अनुसार अनुकूल आप अपना टाइम पास कर रहे हैं ना। काम ऐसा करिए कि समाज उसको एक्सेप्ट ना करे या क्रिटिसाइज़ करे। अगर समाज क्रिटिसाइज़ कर रहा है और लोग कह रहे हैं अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, अरे बेटा वो क्या कर रहे हो, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बस समझिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर सब ने उसको 100% समाज ने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि बेटा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको चिंतन कीजिए, घर जाके फिर से दोबारा चिंतन कीजिए, नोट्स बनाइए कि ही आप गलती कर रहे हैं। अगर 100% एक्सेप्टेंस है किसी चीज़ की, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हैं, ठीक है। तो अगर 50% एक्सेप्टेंस है तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। तो आप ये देखिए, फिर कह रहा हूँ, आपकी हॉबी में, आपके पैशन में, ये लाइफ टाइम हॉबीज़ होती हैं, लाइफ टाइम पैशन्स होते हैं, उसमें जुनून, उसमें क्रेज़ीनेस का जो तड़का है, क्रेज़ीनेस का जो एलिमेंट है और मैडनेस का एलिमेंट है, वो सबसे सर्वोच्च और सबसे ज़्यादा डिग्री में होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट क्रेज़ी, सॉरी, इट इज़ नॉट अ हॉबी, सो फाइंड फॉर योरसेल्फ।